सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 2 वर्ण परिचय ब उसका अभ्यास हम आज करेंगे। वर्ण परिचय 1 में हमने स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन आदि सीखा। अभी हम आगे वर्ण परिचय ब में आगे क्या सीखते हैं वह देखेंगे। वर्ण परिचय ब पहला है अनुस्वार, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अक्षर या वर्ण जो होता है उसके सिर पर जो बिंदी लगती है उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा देख लेते हैं। अनुस्वार अक्षर पर जो बिंदु यहाँ पर दर्शाया गया है बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे मंगल तो म पर अनुस्वार, पतंग तो त पर अनुस्वार, रंग तो र पर अनुस्वार, चंदन च पर अनुस्वार, अंडा अ पर अनुस्वार, सी स पर अनुस्वार आदि। तो अक्षर पर जो बिंदी लगती है अथवा जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 चंद्र बिंदु। अभी चंद्र बिंदु हम सभी चांद हमने देखा है, ठीक है। चांद जब हम किताब में या नोटबुक में बनाते हैं ड्राइंग करते हैं तो हम ऐसे यू बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। तो यह भी चंद्र बिंदु यानी कि चांद के आकार का आधा चांद और उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अभी चंद्र बिंदु कब लगता है? तो बहुत सारे अक्षर या वर्ण ऐसे हैं जो अर्ध अनुस्वार जिस पर लगाया जाता है यानी कि आधा अनुस्वार, तो उस जगह पर चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग होता है। परिभाषा हम देखते हैं। चंद्र बिंदु कई अक्षरों या वर्णों पर ऐसा यानी कि यू और उसके ऊपर बिंदु चिन्ह लगाया जाता है इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध अनुस्वार का उच्चारण होता है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है यानी कि जिस अक्षर पर अर्ध अनुस्वार लगता हो वैसा उच्चारण होता है तब यह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं चांद तो चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, माँ तो माँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा, गांधी तो गा पर और चंद्र बिंदु की मात्रा, आंख तो आ पर चंद्र बिंदु की मात्रा, पांच तो पा पर चंद्र बिंदु की मात्रा। उसके बाद है नंबर 3 विसर्ग। हमने वर्ण परिचय में भाग अ में देखा कि विसर्ग कैसे बनते हैं। तो वर्ण या अक्षर के बाजू में जो दो बिंदी लगती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। परिभाषा हम देखें। विसर्ग नीचे लिखकर शब्द पढ़िए। अंतःकरण प्रातःकाल प्रायः और यह जो विसर्ग है उसका उच्चारण होता है ह। जैसे हमने पढ़ा भी अंतःकरण तो अंत के बाद दो बिंदी यानी कि विसर्ग लगाया हुआ है उसके बाद लिखा है करण यानी उसका उच्चारण क्या है अंतःकरण। प्रातः काल प्रायः बराबर इन शब्दों का उच्चारण इस तरह होता है अंतःकरण प्रातःकाल प्रायः। जब किसी स्वर या व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे यानी कि स्वर और व्यंजन के पीछे हमें ह की ध्वनि लगानी है तब उसे विसर्ग करते हैं यानी उसे दो बिंदी से सूचित किया जाता है। ऊपर नीचे रखे जाने वाले बिंदु दो बिंदु को विसर्ग करते हैं। एक बिंदु ऊपर लगता है एक बिंदु नीचे लगता है उसे हम विसर्ग करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है संयुक्त अक्षर। जैसे हमने व्यंजन संयुक्त व्यंजन सीखा वही तो संयुक्त अक्षर में क्या होता है एक से अधिक अक्षर जुड़ते हैं तब उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसके अलावा उसकी परिभाषा हम देखें कि जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर हम वहां पर आगे
व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तब उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यंजन का स्वर, अभी हम सब जानते हैं कि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जाता। जैसे ख, तो ख जोड़ पीछे अ सुनाई देता है तभी बनता है ख। तो ख के पीछे वाला स्वर हटाकर उसे आगे वाले शब्द के व्यंजन से अगर जोड़ दे तब वह बनता है संयुक्ताक्षर। हम यहाँ पर देखते हैं, जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तब वह संयुक्ताक्षर बनता है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे ब जोड़ द, तो क्या बना? द, यानी शब्द। उसके बाद क जोड़ ट, तो क्या बना? ट, शब्द क्या है? डॉक्टर। त जोड़ व, क्या बना? त्व, तो शब्द बना देवत्व। ठीक है, तो यह है संयुक्ताक्षर। अभी संयुक्ताक्षर जोड़ने के लिए कुछ नियम वह हम देख लेते हैं। वर्णमाला में कुछ अक्षर हम देखते हैं कि पाई वाले होते हैं, खड़ी पाई वाले, जैसे ख है तो वह हम खड़ी पाई वाले कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अक्षर जैसे हैं ग, ग, न, प, फ, यह सब खड़ी पाई वाले अक्षर हैं। तब जब यह खड़ी पाई वाले अक्षर किसी व्यंजन के साथ उसे जोड़ते समय उनकी पाई को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। पाई एटले गुजराती में आपने कही है ना, जी बाजू में कान करे हुए आपने एक हटाओ पड़े, बराबर। तो पाई को हटाना पड़ता है और वह दूसरे व्यंजन या वर्ण के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ख, ग, घ, च, ज, त, थ, इतने वर्ण दिए हैं जो खड़ी पाई वाले हैं। उसको जब संयुक्ताक्षर बनेगा तब कैसे हो जाएगा? ख तो आधा, ग में पाई बढ़ जाएगी, घ में भी पाई बढ़ जाएगी, च में भी पाई बढ़ जाएगी, ज में भी पाई बढ़ जाएगी, त में भी पाई बढ़ जाएगी और थ में भी पाई बढ़ जाएगी। यानी संख्या तो ख आधा हो गया, अग्नि तो ग आधा हो गया, पाई हट गई, विघ्न ग लिखा पाई हट गई, सच्चा सज्जन सत्य और तथ्य। दूसरा नियम, कुछ अक्षरों में पाई नहीं होती, जैसे कि क है, छ है, ट है, ठ है, इन अक्षरों या वर्णों में पाई नहीं होती, तब उसको कैसे जोड़ें? तो जब ऐसे पाए बिना के जो अक्षर है उनको जोड़ते समय इन्हें हमें अर्धमूलाक्षर का उपयोग करना होता है। यानी कि उसके आगे अक्षर को, जैसे कि मक्खन है तो वह अक्षर हम पूरा नहीं लिखेंगे, यानी कि वह वर्ण हमें आधा लिखना है। जैसे मक्खन में हम देखेंगे, यहाँ पर मक्खन में क आधा लिखा है और ख के साथ उसको जोड़ दिया है। खट्टा, तो ट में हलन लगाया हुआ है। उसके बाद खद्दर और अंडा, तो यह अक्षर इस तरह से आधे लिखे जाते हैं। तीसरा नियम है, र और ह नीचे बताए अनुसार जोड़े जाते हैं। जब र और ह जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ा जाता है? चक्र, ग्रह, तो अ हम पीछे सुन रहे हैं, शीघ्र, ट्रेन, राष्ट्र, समुद्र, सर, ब्राह्मण, प्रहलाद और पानी। तो हमें र और ह जब जोड़ना है तब हम इस तरह से चिन्ह लगाते हैं बीच में। संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण यहाँ से यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्रम, गंदा, शुद्ध, पद्म, पद्य, द्वार, आश्चर्य चिन्ह, ब्राह्मण, बाह्य, हृदय, हृदय और प्र। अभी चौथा नुक्ता, यह भी हमने पहले इसका अभ्यास कर लिया है कि जो वर्ण या अक्षर होते हैं वो अक्षर के नीचे जो बिंदु लगता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। हमारे हिंदी की भाषा में बहुत सारे अरबी और फारसी भाषा के शब्द आते हैं, तो उनका प्रयोग जब होता है तब उनके अक्षर के नीचे यह नुक्ता बिंदी लगाई जाती है। हिंदी में अरबी तथा फारसी के कई शब्द आते हैं, उन शब्दों में प्रयुक्त क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। जैसे कलम,
गम तो यह जोर नहीं पड़ता है, पर गम तो यह जोर पड़ता है। आजाद तो गले पर जोर पड़ता है, आजाद तो गले पर जोर नहीं पड़ता है। तो जब मुक्ता वाले शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तब हमारे गले पर थोड़ा सा जोर पड़ता है। और शब्दों के सही उच्चारण के लिए ही यह मुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ड और ध जब शब्द के प्रारंभ में, यानी कि कोई भी शब्द ड या ध से शुरू होता है, तब उनके नीचे मुक्ता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डमरू, डलिया, ढलाना, ढक्कन आदि, तो इनके नीचे मुक्ता नहीं लगता। जब ड और ध से कोई भी शब्द प्रारंभ यानी कि शुरू होता है तब। अभी उसके बाद अनुनासिक के तुरंत बाद में आने पर भी ड और ध के नीचे मुक्ता नहीं लगता है। अभी अनुनासिक यानी कि नाक से जो अक्षर या वर्ण बोला जाता है या शब्द बोला जाता है, जैसे कि डंडा, तो डंडा जब हम बोलते हैं तब हम नाक से बोलते हैं डंडा। ठीक है, तो वह अनुनासिक वर्ण है। तो जब अनुनासिक वर्ण का शब्द होता है तब भी उसके नीचे यह मुक्ता नहीं लगाया जाता। जैसे डंडा है पर उसके नीचे मुक्ता नहीं है, क्योंकि पहला नियम तो हमने देखा कि ड से शुरू होने वाला शब्द है पर प्रथम अक्षर उसका ड है, तो वैसे भी वह वहां पर मुक्ता नहीं लगेगा। और दूसरा नियम हम देख रहे हैं कि अनुनासिक यानी कि नाक से बोलने वाला वह वर्ण है, तो उसके नीचे भी मुक्ता नहीं लगेगा। इसके अलावा ड और ध के प्रयोग में मुक्ता लगता है। जैसे इसके अलावा बाकी हर जगह पर ड और ढ का जब प्रयोग होता है तब उसके नीचे मुक्ता लगता है। जैसे लड़का, पढ़ना, ठीक है, तो यह है मुक्ता। उसके बाद है पांचवा विरुद्ध आ। अभी हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी भाषा में भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोनों का उच्चारण एक जैसा ही होता है। वैसे शब्द अगर हमें हिंदी में लिखने हैं तब उस अक्षर या वर्ण के ऊपर हम यह विभूत आ यानी कि गुजराती में आपने कहिए तो रेफ लगानी पड़े छे, बराबर छे। अंग्रेजी भाषा में कई शब्दों को हिंदी में लिखते समय उसका सही उच्चारण बनाते बताने के लिए ऊपर चंद्राकार के रेफ का प्रयोग किया जाता है, इसे विवृत आ कहते हैं। जैसे विवृत आ का उच्चारण आ और ओ उन दोनों के बीच का होता है, ना तो उनका उच्चारण आ होता है ना तो उनका उच्चारण ओ होता है, परंतु उन दोनों के बीच का जो उच्चारण होता है वह विवृत आ के उच्चारण होता है, इसलिए उनके ऊपर यह विवृत आ यानी कि चंद्राकार गुजराती का केवल रेफ मुकवामा आ। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, तो उसके ऊपर ऑफिस पे आपे आपको चंद्राकार यानी विभूता दिख रहा है। बार, बॉक्स, हम आदि, ठीक है, तो यह है विभूता। तो वर्ण परिचय में आज हमने संयुक्ताक्षर, नुक्ता, अनुस्वार और विभूता उसका अभ्यास किया। आपके पुस्तक के अंदर बहुत छोटा सा और बहुत सरल स्वाध्याय दिया है, वह आपको अपने तरीके से ही करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय निम्नलिखित शब्दों में से उचित वर्ण और अनुस्वार बताएं। यहाँ पर शब्द दिए हैं, उनके ऊपर आपको उचित वर्ण यानी कि अक्षर पर क्या लगाना है, अनुस्वार। यहाँ पर मैंने लगाया है पतंग तो त पर अनुस्वार, गंगा ब पर, बंदर ब पर, पंख प पर, कंकड़ क पर, अंडा प पर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाना है। गांधी जी तो गा पर चंद्र बिंदु, मूछ तो म पर, हड्डियां या पर, मुंह तो म पर, ऊंचाई तो ऊ पर चंद्र बिंदु। निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाना है। विसर्ग दो बिंदी, प्रातः तो विसर्ग, दुख तो द और ख के बीच में विसर्ग आएगा, नमः तो आखिर में।
छुट्टी छुट्टी ईश्वर वर्षा, इस तरह से हमें आगे शब्द बनाने हैं, समुद्र और पेंसिल। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण के नीचे नुक्ता लगाना है। मजाक तो ज में नुक्ता, फर्ज तो ज के नीचे नुक्ता, गाड़ी ल के नीचे, पढ़ाई ल के नीचे, पहाड़ ड के नीचे, चीज ज के नीचे, डमरू ड के नीचे, ढकना तो ढ के नीचे और डंडा तो ढ के नीचे। तो बहुत सरल सा स्वाध्याय है, उसे आपको नोटबुक में लिखना है। समझ में आ गया ना वर्ण परिचय का ब? बहुत सरल है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।